हिमाचल प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। आपको बता दें कि शिमला में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से घबराकर प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को हटाकर नया सीएम बनाना चाहती है। मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश भर में लोगों के लिए एक उम्मीद बनता जा रहा है और जैसे जैसे देश भर में लोगों के लिए केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस उम्मीद बन रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खौफ पैदा हो रहा है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से सरकारें केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे काम कर रही हैं और चारों तरफ इनकी वाहवाही हो रही है, तो जहां भी अब चुनाव होते हैं वहां माहौल यही बनता है कि जैसे दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, पंजाब के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, वैसे ही जहां चुनाव होता है वहां भी लोग चाहते हैं कि भाई केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहिए। आपने देखा गुजरात में जब केजरीवाल जी गए अभी रैली करने तो कितना ज़बरदस्त वहां पे जनता का रेस्पॉन्स मिला। कल हिमाचल गए केजरीवाल जी तो वहां भी जनता का बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला। कल हिमाचल की जनता के रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहाँ पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। हमें बहुत अंदर से विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी की लोकप्रियता और केजरीवाल जी के प्रति हिमाचल की जनता ने जो कल रेस्पॉन्स दिया उससे घबरा के अपनी 4.5 साल की सरकार की नाकामी को अचानक उसको याद आ गया है कि 4.5 साल से सरकार चल रही थी हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की और उसने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने जनता के लिए वहाँ कुछ नहीं किया, ना स्कूल बनवाए, बल्कि स्कूल तो बंद किए, अस्पतालों में कुछ नहीं किया, बिजली पानी का बुरा हाल है, रोज़गार का बहुत बुरा हाल है वहाँ पर युवाओं के लिए। तो 4.5 साल की नाकामी को छिपाने के लिए और जनता के बीच ये कहने के लिए देखिए जी पुराने मुख्यमंत्री ने कुछ किया, पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अब भारतीय जनता पार्टी। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप चाहे ये चेहरे बदल लो, 4.5 साल आपने जो हिमाचल की जनता को धोखा दिया है, जो 4.5 साल आपने हिमाचल की जनता की उम्मीदों को तोड़ा है, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, आपको उनकी याद नहीं आई, अब आपको जनता याद नहीं करने वाली है। अब जनता के बीच केजरीवाल जी पहुंच चुके हैं और कल जिस तरह से हिमाचल के कोने कोने से लोग मंडी में केजरीवाल जी के स्वागत में आए और केजरीवाल जी को एक मौका देने के संकल्प के साथ निकल के आए, उससे हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी